तो भाई लोग ये है इन्फिनिक्स होट 40i और इसकी स्पेसिफिकेशन भी इसकी नाम की तरह होट है। 9000 रुपए के बजट में 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, 6.6 इंच 90Hz पंचोल डिस्प्ले, और भी आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखोगे तो आप भी बोलोगे कि इन्फिनिक्स ने क्या ही फोन बना दिया है। क्यों हिला डाला ना? अभी मैं इसमें BGMI टेस्ट करने वाला हूं, तो सबसे पहले गेम स्टार्ट कर लेते हैं। गेमिंग से पहले इस फोन में 66% बैटरी लेवल है और फोन का टेम्परेचर लगभग 33 डिग्री सेल्सियस पे है। मैं इस फोन में अराउंड 1 घंटा गेमिंग करने वाला हूं और उसके बेस पे ही आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन और एक्सपीरियंस बताऊंगा। किसी भी फोन में गेमिंग के लिए बैटरी, डिस्प्ले और हीट मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना की परफॉर्मेंस वाला पार्ट। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं इन्फिनिक्स होट 40i के बारे में सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, गेम लोड करने के लिए इस फोन ने 50 सेकंड्स का टाइम लिया है, जो 9000 रुपए के फोन के हिसाब से मुझे तो ठीक ही लग रहा है। स्मूथ ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट सपोर्ट करता है ये फोन, यानी कि आप 40fps पे गेमिंग कर सकते हो इस फोन में। और मेरे अकॉर्डिंग 9000 के फोन में 40fps ग्राफिक्स मिलना काफी बड़ी बात है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी 15 से 18 हजार के फोनों में भी 40fps ग्राफिक्स ही मिल रहे हैं। अब फटाफट से मैच स्टार्ट कर लेते हैं। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? जायरोस्कोप इस फोन का बिल्कुल यूजलेस है और ये बात मुझे पहले से पता थी, क्योंकि 10,000 के नीचे के मैंने कई फोन ट्राई किए हुए हैं और किसी में भी अच्छा जायरो नहीं मिला। तो जायरो तो आप भूल ही जाओ इस फोन में, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बाकी मैं ये TDM खेल लूँ, फिर आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देख देख देख, अबे साले, सॉरी 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 सॉरी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तीन TDM मैच खेल चुका हूँ मैं इस फोन में और कहीं भी मैप लोड होने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन फ्रेम्स ड्रॉप होते रहे हैं लगातार। अब जैसे कि क्लासिक मैच आपके सामने चल ही रहा है, लैंडिंग करते हुए कई फोनों में गेम अटकने लगती है। बाकी 20 मिनट की गेमिंग करने में फोन हीट नहीं हुआ बिल्कुल भी, लेकिन ये फोन 9000 रुपए के हिसाब से अच्छे से हैंडल कर पा रहा है गेम को।
मार दो मेरा टीममेट मार दो। अरे दो दो मर गए भाई, इनको रिकॉल करना पड़ेगा। प्लीज रिकॉल मी। अच्छा जी अभी करते हैं सर आपको रिकॉल, रुकिए। तीनों ठिल गए क्या भाई? भाई चल दे आगे। दो नंबर कहाँ रह गया, मर जाए फटाफट। ले भाई तू भी हो जा रिकॉर्ड। अरे भाई यही कहा हम आया था। M24 से मार रहा है बंदा सबको। इतने बंदे भैया मेरे मुंह से निकल गई भैया। अबे भाग अबे भाई, आ जा भाई, तू मार ले मेरे को। ले ले पूरा मार, आ जा। तो भाई लोग अब मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ इन्फिनिक्स हॉट 40i में BGMI खेलने के लिए। 9000 के बजट में ये फोन परफॉर्मेंस काफी बढ़िया प्रोवाइड करता है। हल्के फुल्के फ्रेम्स तो ड्रॉप होते ही रहते हैं लेकिन गेम ज्यादा अटकती नहीं है। टच रिस्पॉन्स मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर हो सकता था और डिस्प्ले ऐसी लगती है जैसे कि आप कोई लो क्वालिटी वीडियो देख रहे हो। अब क्योंकि इस फोन में जो डिस्प्ले आती है उसकी पिक्सल डेंसिटी ही कम है तो कम डिटेल्स ही देखने को मिलती है। वैसे भी 9000 के फोन में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज देने के बाद इन्फिनिक्स को कहीं ना कहीं तो पैसे बचाने ही थे, वो इन्फिनिक्स ने बचा लिए डिस्प्ले में। बाकी मैंने इस फोन में 1 घंटा 15 मिनट के आसपास गेमिंग करी है और इतने टाइम में बैटरी 66% से घटकर 46% हुई है। तो बैटरी तो भाई काफी जबरदस्त चली है इस फोन की। और गेमिंग से पहले इस फोन का टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस पे था जो 75 मिनट्स की गेमिंग के बाद भी सिर्फ 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। तो हीट मैनेजमेंट भी इस फोन का काफी बढ़िया निकल के आता है। तो भाई लोग इन्फिनिक्स हॉट 40i कोई गेमिंग फोन नहीं है तो आप इसमें हार्डकोर गेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन 9000 के बजट के हिसाब से ये फोन अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है BGMI में। तो अगर आपका बजट 9 से 10 हजार का है तो डेफिनेटली आप ये फोन ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी वीडियो में।